विदिशा जिले के गंजबासोदा में टीकाकरण केंद्र पर लगातार भीड़ बढ़ने से अव्यवस्थाएं फैलती जा रही हैं। वहीं अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए समाजसेवी संस्थाओं संघ परिवार के सदस्य स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर टीकाकरण करवाते देखे गए। सामाजिक संस्थानों और संघ के सदस्य टीकाकरण के लिए टोकन वितरित करते हैं और फिर उसी क्रम से एक एक व्यक्ति को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए टीकाकरण के लिए अंदर भेजते हैं और टीकाकरण केंद्र पर आने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए व्हीलचेयर से टीकाकरण कक्ष तक पहुंचाने का कार्य भी समाजसेवी संस्थान के सदस्य कर रहे हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन में देखने में आया कि अस्पताल में काफी असुविधा हो रही थी तो और शहर के सामाजिक लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम अस्पताल प्रबंधन को बाहर से मदद करेंगे। तो सारे हमारी विचारधारा के लोग हमारे शहर के कुछ समाज सेवी सब ने मिलकर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बना रखी हैं संघ परिवार के लोगों ने, जिसको पानी की किसी के पास पानी की व्यवस्था है, किसी के पास कुर्सी जमाने की व्यवस्था है, कोई बुजुर्ग है तो उसको स्ट्रेचर उस पर व्हील चेयर पर ले जाकर वहाँ तक छोड़ने की हमारी व्यवस्था है। आगे की व्यवस्था डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन अपने हिसाब से करता है। देखिए, जैसे कि आपको पूर्व में विदित है कि हमारा जो टीकाकरण केंद्र था हमारी ओल्ड अस्पताल कैंपस में था, वहाँ भी हम वैक्सीनेशन कर रहे थे लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण कई बार वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। इसके मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे मानस भवन का चुनाव किया था। इसमें व्यवस्थाएं जमाई हैं हमारे सहयोगी समाज सेवियों के द्वारा, यहाँ पे सब सहयोग प्रदान किया है। सुबह हम टोकन वितरण करते हैं और लोग अपनी ग्राउंड में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठते हैं और टोकन के हिसाब से अपना बारी बारी से अपना वैक्सीनेशन करवाने आते हैं और सतत ये प्रक्रिया चलती रहेगी।